हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एन एस क्लासेज माई नेम इज़ नीतू आज फिर हम एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप देख रहे हो टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट 2020 यहां पे टीचिंग स्टाफ की जो है रिक्रूटमेंट आई है यहां पे जो आपका सैलरी है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा मतलब पचास हजार जो है आपको मिलेंगे उसके बाद जो आपका सिलेक्शन है वो आपको वहाँ पर जाके वॉक इन इंटरव्यू देना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है साथ में ये जो वैकेंसी है वो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज में जो है ये वैकेंसी आई है ठीक है तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल पे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि आपको ऐसे ही नई अपडेट मिलती रहे और जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर तो ये जो है वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो डी एन एच डॉट एन आई सी डॉट इन ठीक है तो इस पर जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट वाला कॉर्नर आएगा वहाँ पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो बाकी यहाँ पे है कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस तो यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू है अपलिकेशन इन्वाइटे आर इन्वाइटेड आर द एलिजिबल कैंडिडेट प्रेसिंग रिक्वेस्टिंग क्वालिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ गेस्ट विजिटिंग फैकल्टी फॉर अ लिमिटेड पीरियड मतलब ये गेस्ट uh, टीचर के लिए है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको रखा जाएगा अगर आप क्वालिफिकेशन को मैच करते हो तो आप यहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हो अगर आपका हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं आती तब तक आप इस वैकेंसी में भी मतलब ये है कि बेरोज़गार नहीं रहोगे आपको हर महीने अच्छा खासा पैकेज मिलेगा पचास काफ़ी अच्छी है अमाउंट ठीक है तो यहाँ पे वैकेंसी देख लो कहाँ कहाँ स्टेटिक्स में आपकी एक वैकेंसी है ज्योग्राफी में आपकी एक वैकेंसी है हिस्ट्री में एक है पॉलिटिकल साइंस में एक है सोशोलॉजी में एक है बोटनी में दो हैं केमिस्ट्री में भी दो हैं और फिजिक्स में आपकी एक है यानी कि टोटल जो है आपकी दस वैकेंसी यहाँ पर है उसके बाद देखो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहाँ पे फिफ्टी फाइव परसेंट डिग्री मांगी गई है या और फिर आपका जो है नेट सेट या फिर आपकी पीएचडी होनी चाहिए अगर आपको नेट क्वालिफाइड है तो पी की ज़रूरत नहीं है ठीक है इसके बाद है प्रोफेशन गुजराती लैंग्वेज इज डिजायरेबल मतलब गुजराती लैंग्वेज इन्होंने मांगा है यानी कि आपको गुजराती लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए अगर नहीं आती तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते इसके बाद जो इन्होंने बोला है प्रोफेशन इन गुजराती लैंग्वेज डिजायरेबल रिटायर्ड टीचर्स मे ऑल्सो अप्लाई जो रिटायर्ड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं विल बी पेड एज पर यू जी सी नॉम्स थाउजेंड पर लेक्चर मतलब एक लेक्चर को आपको एक लेक्चर के आपको हजार रुपये मिलेंगे फोर वन आवर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ ठीक है इसके बाद जो है एप्लीकेशन शुड रिपोर्ट ऑन द डेट ऑफ वर्क इन इंटरव्यू डेट जो है यहाँ पे मेंशन कर रखिए कि आपको कब जाना है उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो छब्बीस छब्बीस तारीख को आपको छब्बीस जुलाई को यहाँ पे जाके दस बजे जाके आपको देना है लेके क्या जाना है एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर फॉर दिस पोस्ट फुल बायोडाटा लेके जाना है साइन विद फोटोग्राफी कॉपी सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए ऑल सर्टिफिकेट आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जाने हैं वैसे भी लेके जाने हैं ये आपका गुजराती में है क्योंकि आपको गुजराती भी आनी चाहिए तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई करिए ठीक है तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई अपडेट के साथ तब तक लिए बाय एंड थैंक यू